साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना प्रताप चंद्रा, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रताप चंद्रा में। साथियों बहुत दिनों बाद फिर से आपसे मुलाकात हो रही है YouTube के माध्यम से। कुछ समय पीछे मैं आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हो पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा और आप सबसे विनती करूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए, अगर हमारे चैनल में आपको जो वीडियोज चल रही हैं अगर ये पसंद आती हैं तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों आज का विषय बहुत ही अच्छा विषय लेकर मैं आया हूँ, जो कि मेरा भी इंटरेस्टिंग विषय है, जैसे कि पैसा। पैसा मतलब पैसे को हमें पैसा हमारे बहुत सारा होना चाहिए, ढेर सारा होना चाहिए, हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए। और हाँ, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें सब चीज़ें जो है हमें समझना होगा। पैसा सिर्फ पैसा ही हमारे पास ऐसा ना हो कि हम पैसे पर ही सिर्फ फोकस करें, ऐसा भी नहीं है। हमें जीवन जीना चाहिए, आनंद देना चाहिए और सिर्फ पैसा कमाते रहते समय बर्बाद ना कर दें, ऐसा भी ना हो। इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पैसा जो है क्या होता है कि हम जैसे दो पार्ट में बताना चाहूँगा। जो पहला क्या होता है कि हम लोग, कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब पैसे को कमाने के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं जिनको एक हाई क्लास सोसाइटी हम अगर देखें तो उन लोग पैसे से पैसा कमाना, मतलब पैसे को काम पे लगाना, पैसा जो है काम पे लगता है और फिर पैसा बनता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें भी ऐसा ही समझदारी के साथ काम करना है और सिर्फ पैसा हम कमाएं ऐसा हम ऐसा ना रहे, पैसे को पैसा कमाने के लिए हम लगाएं, पैसे को अपने काम पे लगा दें, ऐसा हम अगर कर पाए तो बहुत ही अच्छा हम क्या है पैसे को मैनेज कर सकते हैं। पैसा हमें मैनेज करे, अगर ऐसा हुआ तो ज़िंदगी से तकलीफ खत्म नहीं होगी। इसलिए पैसे को हम मैनेज करें, ऐसा अगर हो तो ज़िंदगी से तकलीफें जो हैं वो ख़त्म की जा सकती हैं, क्योंकि पैसा अगर पैसा कमा रहे हैं तो आप फ्री होकर के ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर एक उदाहरण लें कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुकान चलाता है या फिर जो दिहाड़ी करता है या फिर इस तरीके के, जो कि अपने मेहनत से जब शटर ऑन करेगा और पैसा आएगा, तो वो स्थिति क्या है, वो लॉन्ग टाइम के लिए फिर हमें दिक्कत होगी। जिस जो स्टेज हमारा आएगा मान लीजिए 50 या 60 के बाद, जब हम अपना काम बंद करेंगे, तो हमें आज से समझना है कि हमारा शटर बंद तो पैसा बंद। तो साथियों ऐसा भी ना हो। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये हो सकता है कि हम एक बार ही काम करें और हमें निरंतर जो है पैसा आता रहे। इस प्रकार की योजनाओं के साथ हमें काम करना होगा और हम पैसे को पैसा कमाने पर लगाएं, ऐसी योजनाएं हमें समझनी होंगी। आज साथियों कहा गया है, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा इतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। तो हमें नेटवर्क को बड़ा करना है, हमें अपने साथ साथियों को, और बिना टीम के तो कुछ होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए हम पैसे को कमाने के लिए भी टीम बनाएं, हम टीम वर्क करें। अगर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी इंसान एक बड़ा पैसा जनरेट कर रहा है तो उसके पास टीम है, या तो उसने हायर की है या फिर वो एज ए पार्टनरशिप काम करते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। और हर व्यक्ति का काम तो वही है, हर व्यक्ति का काम वही है, मिलकर ही काम किया जा रहा है। तो क्यों ना हम सब मिलकर पैसे को पैसा बनाना सीखें। और बहुत सारे आज जैसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा, शेयर मार्केट का है काम जिसमें हम कर सकते हैं, जहाँ पैसा लगा के पैसे को पैसा बनाया जा सकता है। या फिर नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है जिससे आज कई सारे जिंदगियां बदलती हुई देखी जा सकती हैं। बहुत पुरानी कंपनीज जो मार्केट में है जिनसे हम पैसा बनाना सीखा जा सकता है, पैसा अच्छा पैसा वहां से अर्न किया जा सकता है। तो हम पैसे की महत्वपूर्णता को समझते हुए आज इस कोरोना वायरस ने हमें सिखाया है, जो पीछे का समय किया कोरोना वायरस का, उसने हमें सिखाया है कि अगर हम सिर्फ एक जरिया पैसे के लिए बना के रखेंगे, और बहुत बड़े एक नाम, बहुत बड़ा नाम हुआ वॉरेन बफेट जी का, जिन्होंने बताया है कि अगर आप अपने सारे अंडे एक टोकरी में रखेंगे और कहीं वो टोकरी आपसे गिर गया या गिर गया तो फिर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, सारे अंडे आपके खत्म हो जाएंगे, तो आप फिर उसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो हम क्यों ना हमारी टोकरी अलग अलग हो, हम हर टोकरी में अपने अंडे से इकट्ठा करना शुरू कर दें। और अगर मान लीजिए एक टोकरी हमारी खराब भी हो गई, गिर गई, तो हम अन्य टोकरी के अंडों से हमारा काम जो है चल सकता है। तो इसको समझना है हमें कि पैसा हम कई जगह से बनाने का जरिया बनाएं। और साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आज के।